आज है रिसेप्शन और सुबह हो चुकी है और सभी लोग उठ चुके हैं और गपशप कर रहे हैं। तो आज सारा दिन हमने शाम तक क्या किया वो मैं आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग कि हमने आज सारा दिन क्या किया। आज सुबह सबसे पहले सुबह उठ करके हमने किया दुल्हन का स्वागत। तो दुल्हन अपने ससुराल आ चुकी है और सुबह के टाइम जो भी रस्में होती हैं तो ये रस्में निभानी बहुत ज़रूरी होती हैं। दुल्हन की जिठानी, सास वगैरह जो भी रिश्तेदार वगैरह जो भी होते हैं सभी चावल वगैरह डालते हैं, दुल्हन का स्वागत करते हैं चावल वगैरह डाल करके। तो यहाँ पे वही रस्में यहाँ पे निभाई जा रही हैं और रस्म निभा करके ना हम दोबारा से सो गए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है और हम एक बार उठ करके दुल्हन का स्वागत करके दोबारा से सो गए थे। तो अभी उठे हैं और चाय पी ली है दो बार हमने। तो अब हमारा नहाना धोने का टाइम हो गया है क्योंकि ब्रेकफास्ट तैयार है। तो फटाफट हम नहा धो लेते हैं और फिर आज क्या कल से मौसम भी खराब हो रहा है और अभी टाइम से नहाएंगे नहीं तो बाल भी सूखेंगे नहीं फटाफट, तो इसलिए हम नहा लेते हैं। घूम के आ रहे भाई, बताओ जल्दी से। कोई शादी ऐसी ना हो जहाँ चप्पल ना टूटती हो एक जने की, तो इस बार गंगा की चप्पल टूट गई। चप्पल लेने गए, कितनी भी नई चप्पल खरीदो तो चप्पल टूटना ही है। अच्छे चलो ठीक करा, आज भी बन रहा है ब्लॉग। चाय बन गई, ओहो गिर गई। और यहाँ पे बनती है चाय, दीपा को चाय बनाने की ड्यूटी सौंपी है। बन गई दीपा चाय, ओहो गिर भी गई। अच्छा चाय चाची ने बनाई है। दीपा बतानी थी मैंने नहीं बनाई करके। चलो चाय बनाने गई थी दीपा और चाय बनाई चाची ने और लेके आ रहा है जीवन। वेटर क्यों गया यार, भाई है तू। पहले आदमी बोलो और कौन बाद में बोलो। चाय बन के आ गई है, चाय बन के आ गई है। ये चाय के और जेंट्स के लिए, लेडीज के लिए अभी नहीं, लेडीज के लिए बन जाए, लेडीज के लिए बाद में। चाय भागी बन रहा है, अभी तो से कहना चाय ला, चाय ला, चाय ला। अरे चाय बनाने दीपा गई थी, चाय बनाई चाची ने, लेके आ रहा है जीवन। चाय चाहिए क्या? नहीं देनी है भाई, मैं भी हूँ। तुम लोगों के लिए अभी बन रही है चाय, जब तक संतरा खा रहे हो ठीक है। ठीक है हाँ आती हूँ, चाय बन रही है अभी। और हाँ और चाची नींद निकालो, हाँ यूट्यूब में हेलो। इतना बड़ा गिलास, गिलास बड़ा है, मतलब आरी लानी पड़ेगी इसके लिए। अरे चाय बनने वाली है, तुम्हारे लिए चाय बन के आ रही है, खाओ खाओ सिर खाओ। अभी नींद आ रही है, फिर इतना आसान है शादी वाले घर में सोना। चलो हम तो चाय पीने, तो बनने भी आ रही है बनके, ठीक है। नहा धो के हम जा रहे हैं अब ब्रेकफास्ट करने। तो ब्रेकफास्ट में बने हैं पराठे, कहीं के बने हैं ये तो पता नहीं है, शायद आपके बने होंगे। मैं और दीपा जा रहे हैं और बाहर ना बारिश भी आ रही है। क्या बने हैं, आलू के पराठे? ये सही है, बारिश तेज हो रही है। हाँ बारिश आ गई है, देखो जब मिले भी लिया तो एक ही प्लेट में ले आ जा। हाँ? एक ही में पराठे दो जने के लिए लेंगे फिर। कोई बात नहीं, चलो ले ले, लगा दे।
तेरे लिए दो रखूं? हाँ दो रख दो। ये परमानेंट फोटोग्राफर है। क्यों किससे कह रहे हो? अचार नहीं खा रही हूं। कौन मैं? थोड़ा सा दे दो। हाँ थोड़ा सा दे दो, दो रखना। हाँ दादा जो तो दो खा ऊपर रखे, फेंक लीजिए धन दिया। हाँ फेंक लीजिए धन धरी, धन भरिए। हाँ मैं निकाल देती हूँ अगर दो है तो। जरा पकड़ना तो, एक मिनट के लिए फोन बंद कर रही है। इसमें जाड़ों के मौसम की पहली बारिश, शादी में हो गई है शुभ संकेत। सबको अपने हाथों से लगा के दे रहे। देखो अभी पप्पी आया खाने के लिए। खा लिया तूने? खा लिया और खा ले दोबारा। इधर आ जाओ। ये साबुन भी नहीं निकाला क्या मुंह पे? क्रीम लगा रखी है, साबुन लगा रखा तुमने? दे दे लगा पूरा मुंह पे दाने हो रहे हैं। अच्छी अच्छी खाने का टाइम हो गया है और अभी हम जा रहे हैं फिर से छत में लंच के लिए। लेकिन अभी तो चाय पिए, भूख भी नहीं लग रही है ना? भूख लगे ना लगे खाना तो है। हाँ टाइम से खाएंगे तो टाइम से जाएंगे रिसेप्शन में। और ये जेंट्स लोग हैं जो लेडीज से भी ज़्यादा गपमार हैं, उठ नहीं रहे खाना खाने के लिए। लंच में बना है पुलाव और रायता। और ये क्या है? मटर पनीर है। चाचा ये क्या है? ये है ना राजमा, राजमा चावल। अच्छा एक मिनट, कड़ी चावल की डिमांड थी तो बना है आज राजमा चावल। और ये है रोटियां। और ये आलू गोभी की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी। और मटर पनीर, मटर पनीर। तो तीन चार तीन दिन से मटर पनीर बहुत खा लिया है, पनीर पनीर की सब्जी। चलो तो चलिए अभी सभी आ चुके हैं खाने के लिए। सब आ चुके हैं ऊपर खाना खाने के लिए। तो अभी सब अपने पुराने रूप में है तो अभी जब रिसेप्शन में जाएंगे फिर सब इन लोगों को देखने कैसे बन ठन के आते हैं। भाभी सर पे क्यों रख रहे हैं? जेठ जी हैं करके? अच्छा ससुर जी। खाना खा लो भाई, खाओ फिर। हैं शाम को 75 शाम को 75 टाइप का खाना खाना है हमने वहाँ पे बना हुआ है। 75 प्रकार की डिश हैं। खाने में मजा आ रहा है। हाँ तो इस खाने को पूछ नहीं रहे 75 डिश के चक्कर में, तो कह रहे वही देखेंगे और खाएंगे। धूप सेकने आए हो छत में? हैं? ओ बसवादी धूप सेकने आए हो छत में? अच्छा हाँ फिर तैयार होके जाते हैं। हाँ मिल्क प्लांट आना हम यहाँ पे बल्ब कर रहे हैं। अच्छा मिल्क प्लांट का या उस किसी का बल्ब सारा भर में ना खाना तो दोस्तों खा पी करके हम आ गए हैं छत में, धूप सेक रहे हैं तो इनको कुछ ज्यादा ही डाढ़ा लग रहा है। ये वैसे वैसे यहाँ ठंडा नहीं हो रहा है? ठंडा नहीं है, ठंडा नहीं हो रहा है। ठीक है अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है ना। गप मारने से मकसद नहीं है। देखो ठीक है अब शादी ब्याह में गप नहीं मारेंगे तो क्या करेंगे? गप मारने आए हैं बड़े मिले हैं बुआ लोग।
सब सेक रहे हैं धूप। ये बुआ अंबाला वाली है, ये बुआ अंबाला वाली बुआ, ये भी अंबाला वाली बुआ, ये गोलापार वाली बुआ, सबसे सीधी बुआ। और ये फरीदाबाद वाली बुआ, ये हल्द्वानी वाली बुआ, दूसरे नंबर पे ये हैं। ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे नंबर लगाया, पहले नंबर पे ये सीधी हैं और दूसरे नंबर पे ये थोड़ा सीधे ऐसे हैं यार, ये थोड़ा सा तेज है। उमस है और नहीं, और सबसे सीधी मैं हूँ, सबसे टेढ़ी नहीं हूँ यार दीदी। मैं ये कहती आप, मैं सबसे सीधी हूँ। हाँ, मैं सबसे सीधी हूँ। और ये तो चाची है, ये बुआ नहीं है। हाँ, ये यही के निवासी हैं, दिल्ली के। अभी और आ रहे हैं, उनसे भी मिलाते हैं। हो गया खाना पीना, खा पी के पानी पीने छत आए हैं। और यही साइड में बैठ गए हैं। गिरोगे यार भाभी, उधर को मत बैठो। खा पी के ये भी छत में आए हैं धूप सेकने, लेकिन धूप आ नहीं रही है और जाड़ा हो नहीं रहा है। कहाँ हो रहा, जाड़ा नहीं हो रहा ना। हाँ, और ये चाची नहीं, भाभी है, भाभी भाभी भाभी। तो दोस्तों, हम आज का ब्लॉग अब हम यहीं पे करते हैं समाप्त, क्योंकि अब हमें होना है तैयार रिसेप्शन में जाने के लिए। तो मिलते हैं रिसेप्शन में। और आज के लिए बस इतना, बाय बाय। चलो पार्टी में मिलते हैं शाम को। अब मेरे को मेरी भतीजी ने तैयार कर दिया, पता नहीं हमको तो, हम बुढ़े और ऐसा टैलेंट तो आता नहीं है, नहीं इसको कहाँ से आता है, कहाँ से सीखी है, पर हमको सबको तैयार किया मेरी भतीजी ने। तारीफ हो रही है मेरी, देखो। रिसेप्शन की तैयारी हो चुकी है और सभी तैयार होने लगे हैं। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग हम यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं आपको रिसेप्शन में। आज के लिए बस इतना, बाय बाय।